हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे UK SSC द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 5। इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो UK SSC ने पूछ रखे हैं और जो क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। आपको पता है, प्रीवियस क्वेश्चन देखने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है, क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है, और आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको पता है सुबह 7 बजे हिंदी की सीरीज चल रही है, ठीक है, और आपको पता है 24 अक्टूबर 2021 को जो है, ठीक है, 24 अक्टूबर 2021 को कनिक सहायक वाला एग्ज़ाम यानी जूनियर असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम है। अगर आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, सुबह 7 बजे मिलती है आपको, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसमें 20 क्वेश्चन मिलते हैं और 20 क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी किया जाता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें राजी जनजाति के निवास स्थान, ठीक है, जो राजी जनजाति का निवास स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रोतीउड़ा। क्या कहा जाता है उसको? रोतीउड़ा। अगला क्वेश्चन है चंपावत के बालेश्वर मंदिर। देखिए, क्वेश्चन आपको यहीं से बन गया कि बालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। तो चंपावत के बालेश्वर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कराचल देव से। किससे संबंधित हैं? कराचल देव से। अगला क्वेश्चन है हर्सिल क्षेत्र में सेब की बिल्सन प्रजाति विकसित की थी। तो हर्सिल क्षेत्र उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो सेब की प्रजाति थी, बिल्सन प्रजाति, इसको जो विकसित किया था वो किसने किया था? फ्रेडरिक बिल्सन ने। इनके नाम से ही आप याद रखना। कसार देवी का मंदिर, कसार देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये अल्मोड़ा में हुआ है, ठीक है, अल्मोड़ा में, और यहाँ से यक्षों की जो है पुष्टि होती है, ठीक है, कसार देवी के मंदिर से। तो जो कसार देवी का मंदिर स्थित है ये किस चोटी पर स्थित है? तो ये कश्यप चोटी पर स्थित है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला है उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था? तो देखिए, उत्तराखंड पर जो प्रथम गोरखा आक्रमण हुआ था ये 1790 में हुआ था अल्मोड़ा में, ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1791, क्योंकि 1790 दे ही नहीं रखा है, ठीक है, तो 1791 जो इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमोघ भूति शासक था। तो देखिए, अमोघ भूति जो शासक था ये किसका था? कुड़िंद वंश का। किसका था? कुड़िंद वंश का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो देखिए, शक्ति पत्रिका का जो प्रकाशन किया था ये किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे ने। किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा तराई भाबर में पटवारी और कानून गो की नियुक्ति के नियम सर्वाधिक निर्धारित किए थे। तो देखिए, तराई भाबर में जो पटवारी और कानून गो की नियुक्ति के जो नियम थे वो सर्वप्रथम जो निर्धारित किए गए थे 1897 में किए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गढ़वाल वे कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया, वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो गढ़वाल और कुमाऊं के जो पर्वतीय क्षेत्र थे वहाँ से हाथ से बने हुए कागज का प्रयोग का वर्णन जो वो किसने किया है? वाल्टन ने, ठीक है, वाल्टन ने। देखिए, ऑप्शन बी और सी में दोनों में वाल्टन दे रखा, आप इतना याद रखना कि इसका आंसर जो है ये वाल्टन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, भारत में GST पारित करने वाले राज्यों का उत्तराखंड का स्थान है। तो जब भारत में GST जो लागू हुआ था उस समय उत्तराखंड ने भी लागू किया था, तो उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य था? तो ये 5वें नंबर का था, ठीक है, कौन से नंबर का था? 5वें नंबर का। भेलछड़ा प्रपात जो है कहाँ स्थित है? तो देखिए, भेलछड़ा प्रपात जो स्थित है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड, जैसे ये पिथौरागढ़ है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसका जो उत्तर पूर्वी वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये प्राचीन काल में क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था डोटी। क्या कहलाता था? डोटी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर कब बैठे थे? 1717 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जौनसार क्षेत्र में कितने सयाड़ा, ठीक है, कितने सयाड़ा क्षेत्रों का एक सदर सयाड़ा होता है? तो ये होता है 4, ठीक है, 4 सयाड़ा क्षेत्रों का एक सदर सयाड़ा होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग, जो होम रूल आंदोलन था, ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ये जयदत्त जोशी ने की थी, ठीक है, जयदत्त जोशी ने की थी। अगला क्वेश्चन है
चंद राज्य में नगद प्राप्त किए जाने वाला भूकर कहलाता था। तो देखिए चंद राज्य में जो नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर था वो कहलाता था सरती, या इसको सिरती कर भी बोलते हैं, आपको कहीं कहीं ये सिरती भी देख मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, सरती कर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर शिवानंद नोटियाल जी। कौन है? डॉक्टर शिवानंद नोटियाल जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी रियासत में पोड़ी टूटी किस प्रकार का करता? तो टिहरी रियासत में जो पोड़ी टूटी करता गाइस जी, आयात निर्यात करता। कैसा करता? आयात निर्यात करता गाइस जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अलविदा कुमाऊ, ठीक है, अलविदा कुमाऊ, कुमाऊ से गोरखों की वापसी, ये इसका उपटाइटल है, नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर एल एल वर्मा। कौन है? प्रोफेसर एल एल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद के चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब की? तो ये क्वेश्चन गाइस दो बार रिपीट हो रखा है, यूके ट्रिपल एससी ने इसको दो बार रिपीट कर रखा है। तो अल्मोड़ा जनपद में जो गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी तो ये की थी शांतिलाल त्रिवेदी ने। कब की थी? 1937 में, ठीक है। इसकी एक बार डेट पूछ रखी है और एक बार इनका नाम पूछ रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में कब शामिल किया था? तो 1967 में शामिल किया था। तो गाइज ये थे उत्तराखंड जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूके ट्रिपल एससी में पूछे गए थे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।